अगर आप ये भीड़ देख पा रहे हैं तो ये बदलाव की भीड़ है। ये महाराष्ट्र में उस बदलाव की भीड़ है जो बदलाव शिवसेना से हटकर अब राज ठाकरे पर जा रहा है। जी हाँ, राज ठाकरे ने एक बड़ी रैली की है। इस रैली के लिए तमाम मुश्किलों के बावजूद राज ठाकरे ने ये रैली की है। 16 शर्तों के बाद इस रैली की मंजूरी दी गई थी। महाराष्ट्र में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाउडस्पीकर को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है, जिसमें जो भी आ रहा है शिवसेना उसे हटाती जा रही है। एक राज ठाकरे हैं जिन्हें रोकने का जो साहस शिवसेना नहीं कर पा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बाला साहेब ठाकरे के बाद शिवसेना के अलावा किसी और नेता के साथ इतना जनमत जुड़ा है तो वो राज ठाकरे हैं। आज से 33 साल पहले बाला साहेब ठाकरे ने औरंगाबाद से ही अपने करियर की शुरुआत की थी और हिंदुत्व को एक साथ लाने का कार्य किया था, और उस वक्त इसी तरह का जनमत देखने को मिला था, और वही जनमत राज ठाकरे को देखने को मिला है। राज ठाकरे के समर्थन में हिंदू समुदाय बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, ये इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। जहां एक तरफ संजय राउत हों, उद्धव ठाकरे हों, शिवसेना हों, तरह तरह के बयान देते रहते हैं, लेकिन इस सच को वो भी अस्वीकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व का वोटर जो है महाराष्ट्र में, वो राज साहब ठाकरे को पसंद करने लगा है। आपको बता दें, जहां एक तरफ राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी के बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि अब राज साहब ठाकरे की रैली में बहुत कम लोग आएंगे, वहीं जो रैली देखने को मिली उसे देखकर होश उड़ गए उद्धव ठाकरे के, शिवसेना के और विपक्षी पार्टियों एनसीबी, कांग्रेस और शिवसेना के। आपको बता दें, जितना जनसंग्रह है राज ठाकरे की रैली में आया है वो ये स्पष्ट संदेश दे रहा है कि शिवसेना के पास अभी भी समय है। अगर शिवसेना अपने पथ पर वापस आना चाहे तो आ जाए। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे अलग अलग तरह से निशाना साध रहे हैं राज ठाकरे पर, कह रहे हैं कि राज ठाकरे ने अगर कपड़े पहन लिए हैं बाला साहेब ठाकरे जैसे तो वो बाला साहेब ठाकरे जैसे नहीं हो सकते। वहीं आपको बता दें, अगर सोच की बात की जाए, विचारधारा की बात की जाए, आदर्शों की बात की जाए, संस्कारों की बात की जाए, तो हाल फिलहाल बाला साहेब ठाकरे के संस्कार, आदर्श और सोच बिल्कुल मिलती हुई नजर आ रही है राज ठाकरे से। राज ठाकरे और शिवसेना दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिस तरह का काम कर रही है वो काम आज उनकी रैली में नजर आया है, और इस रैली को देखकर होश उड़ गए हैं शिवसेना के, उद्धव ठाकरे के और संजय राउत के। जहां तमाम बड़ी बड़ी बातें वो कह रहे थे कि रैली में बहुत कम लोग शिरकत करेंगे, वहीं इस जनमत को देखकर हाल फिलहाल होश उड़े हुए हैं शिवसेना के, और जाहिर है ये एक बड़ी चेतावनी शिवसेना के लिए साबित हो सकती है। महाराष्ट्र असेंबली चुनावों के साथ साथ आने वाले लोकसभा चुनावों में भी ये शिवसेना के लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। आपका पूरे मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।